कई लोगों ने आरोपित कर रखा है गुरुदेव भगवान आपके राजस्थान के एक कवि हुए घासीदास जी महाराज। उन्होंने एक पद लिखा है, जगत में हो नहार बलवान इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी है। ये गीता प्रेस की पुस्तक भजनामृत में लिखा है। उसमें लिखा है गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त बताया, सावधान, मानस में कहीं वर्णन नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने न विवाह का मुहूर्त बताया है और न राम जी को युवराज पद पर बैठने का मुहूर्त बताया है, दोनों झूठ है। देखिए क्या लोग कह रहे हैं, सुनी सकल लोगन यह बाता अकही ज्योतिषी आही बिहार। भगवान ब्रह्मा ही बाण पाग और वैदिक आचार्य बनकर के विवाह विधि बताने आए, गुरु जी ने नहीं। गुरु जी से कहा गया तो गुरु जी ने कहा कि पिताजी को बुला लो। क्यों? समझदार कुल पुरोहित अपने को उलझन से बचा लेते हैं। अरे इतने इतने विद्वान हैं भैया। किसी ने मेरे से पूछा, महाराज तुलसी जी का दल किस किस दिन नहीं उतारना चाहिए? मैंने कहा भैया हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। उतारना तो पढ़ा है, नहीं उतारना नहीं पढ़ा है। हमने सकारात्मक पढ़ा है, नकारात्मक कोई पढ़ाई है नहीं हम जानते। अनेक प्रश्न करते हैं, महाराज घर में अगरबत्ती लगाना चाहिए कि नहीं? क्यों, धूप बत्ती समाप्त हो गई है का? धूप जलाओ, चंदन का धूप आता उसी को जलाओ। नाना प्रकार के धूप बत्ती अनेक प्रकार की कंपनियां बनाती हैं, आप जलाओ धूप। हाँ लेकिन जान रखना, ये धूप जलाने की व्यवस्था भारत में ही है। विदेश में आपने जहां अपने कक्ष में धूप जलाया कि पुलिस की गाड़ी आ जाएगी। व्हाट्स क्लाउड है याद है? हम लोग अमेरिका में जला दिए आरती के समय, भाई ये हम लोग जला दिए, घंटी बजने लगी, घर का अलार्म बजा तो पुलिस कहाँ, यहाँ अलार्म बजता है तो पुलिस के थाने में अलार्म बजता है, खटाखट गाड़ी आ गई। फट स्मोक ही है। तो जिसके यहां रुके थे वो बोला, महाराज जी आगे से नहीं जलाइएगा, बाहर जलाना होता है, नहीं तो पुलिस फाइन ठोक देती है। अब आप जरा सोचिए, भारत अच्छा है कि नहीं है? धूप नहीं, आप हवन कही दे घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। नवरात्र में अष्टमी को सबके घर में 5 किलो 10 किलो 11 किलो कितना हवन होता है, कोई पूछने वाला? चलता ही रहता है। क्यों? ये धर्म प्रधान देश है भैया, यहां हमारा धर्म प्राण तत्व है। इसलिए सत्संग करो, धर्म करो, आचरण करो, विचरण करो, कोई रोक टोक नहीं। हम न्यूयॉर्क में कथा करने गए थे, लौट के जब आए तो पुजारी जी महाराज पर $5,000 फाइन ठोका पुलिस ने। क्यों? अनुमति थी 200 जोड़ी चप्पल की, पुलिस ने गिन लिया 400 जोड़ी। आपको इतने लोगों की अनुमति थी, 100 लोगों की, आप 200 लोग बुला लिए, इसलिए $5,000 फाइन। $5,000 × 80 कितना हुआ? जितनी आई नहीं उतनी व्यय हो गया, फाइन लग गई। और हम लोगों के साथ क्या है, अपने देश में जो सत्संग का वातावरण है, जो भजन का वातावरण है, जो सत्कर्म का वातावरण है, दान का, पुण्य का, मिलने का, जुलने का, पूरी दुनिया में कहीं वो उपलब्ध नहीं है भैया। घूमते रहो, देखते रहो, कहीं सुलभ नहीं। सब कुछ है लेकिन सबकी अपनी अपनी ढंग तरीका। देवता लोग बारात में सम्मिलित हुए, श्याम करण अश्व पर आरूढ़ होकर मेरे सरकार दिव्य दूल्हा बन करके जब चले, सखियां परिछन कर रही हैं गुरुदेव भगवान के भाव में, राघव।
धीरे चलो इस ससुराल कलियान रहो धीरे चलो ससुराल कलियान रहो धीरे चलो मिथिलापुर की नारी नवे मिथिलापुर नारी नवे मोहित छवि लखी रंग लिया मेरी मोहित छवि लखी रंग लिया रहो धीरे चलो ससुराल कलियान रहो धीरे चलो कानन कुंडल कानन कुंडल लटकत माथे मोरिया लटकत माथे मोरिया धीरे चलो ससुराल कलिया धीरे चलो तुम ही लोक देवता लोक ननक बरात लगावे भगवान हनुमान जी का शिव जी से कुछ पूछते हैं मेरी करनी का बाबा बड़े आगे बढ़ के माता पिता के ब्याह में सब लोग कार्त के स्वामी भगवान प्रवेश हुआ अर्घ पूर्वक राम जी मंडप में प्रवेश पर सिद्धिहार मोदी मनी होई है लड़िया जी मोदी मनी होई है लड़िया लगो धीरे चलो ससुराल कलिया लगो बस गिरधर प्रभु प्रेम बस कमल कलिया रवि निरति प्यार हो रहा है सरकार मंडप में प्रवेश के गुरुदेव भगवान बचाने का सम्मान हुआ सिंहासन दिया गया चक्रवर्ती महाराज बरातियों का चतुर्थ जी महाराज स्वागत मुद्रा सब बरातियों का दिव्य सम्मान करके सरकार मंडप में प्रवेश के मजबर का विधि संपन्न हुई कन्या बुलाई गई और यहाँ चक्रवर्ती महाराज देखकर आनंद आनंद विभोर हो रहे हैं सबकी क्या महिमा माताएं रनिवास में श्रृंगार कर रही है मैया का देवता लोग बराती बनकर के चल रहे हैं लेकिन सामत देखकर देख रहे हैं देवता सोचते हैं देखकर जग बिरंजु बजावा जब ते देखे सुने ब्याह हम तब ते सकल भांति सब साज समार सम सम धे रघुवंश की निमिवंश की देवता लोग प्रशंसा करते हैं सरकार मंडप में प्रवेश के विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है जनक राज और सुनेना मैया ने कंचन थाल ला करके सन्मुख रखा है सेवकों की आज्ञा हुई जल लाने के लिए भगवान पांव रखे थाल में सखियां मैया को लेकर के मंडप में बैठी हैं और इधर जनक राज महाराज लागे पखारन पाय पंकप प्रेम तन फूल कावरी नगर काल निशान दय तुझे उमरि जनु चहु दिसि चले हे पद सरोज मनोज हरि गुरु
आहुति भई साखोचार के बाद दोनों कुल गुरुओं ने आज्ञा दी। हिमांचल जी ने जैसे माँ भगवती के कर को शिव समर्पित किया था, समुद्र देव ने श्री जी के कर को भगवान श्री हरि को समर्पित किया था, तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल वर कन्या की गांठ जोड़ दी गई। आहुति प्रांत और वर कन्या चतुष्पदी संपन्न किए।